देख लूँगा क्या प्रॉब्लम है। ये जैसे कि आपका फर्स्ट गियर है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज का टॉपिक होने वाला है मेरा नेक्सॉन टाटा नेक्सॉन गाड़ी पर। तो दोस्तों, एक्चुअली हुआ था क्या कि गाड़ी कस्टमर जो है गाड़ी लेके रोड में फंस गया था और वो कह रहा था कि मैं कोई सा भी गियर डाल लूँ तो गाड़ी आगे बढ़ता ही नहीं है। तो ऑटो से गाड़ी खींच के ले आया है शोरूम आपको डीलरशिप। तो मैं इसमें चेक करूँगा क्या क्या, आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप कभी भी अगर गियर का प्रॉब्लम होता है तो दोस्तों आप कहीं पे भी डीलरशिप में जाके कांटेक्ट करें या फिर कहीं पे मैकेनिक को दिखा सकते हैं। दोस्तों, मैं सबसे पहले अंदर आ गया हूँ और मैं गाड़ी स्टार्ट करके देख लूँगा। तो मैं जैसे गाड़ी स्टार्ट मार लिया हूँ तो दोस्तों मैं आप स्टार्ट मार के आप गियर डालूँगा। तो जैसे कि मैं अभी गियर डाल रहा हूँ, तो फर्स्ट गियर डाला मैं और मैं जैसे ही क्लच छोड़ता हूँ और एक्सेलरेटर दे तो गाड़ी बंद हो जाता है। ठीक है, तो मैं फिर से गियर डाल के देख लेता हूँ गियर इसमें फ्री है या नहीं है। तो मैं कोई सा भी गियर डालता हूँ दोस्तों तो शिफ्ट होता ही नहीं जल्दी। ठीक है, तो ये जो है ना 4 नंबर और 5 नंबर जो है ना बहुत दिक्कत करता है। ठीक है, तो गियर लगता नहीं है। दोस्तों, मैं क्या क्या करूँगा आपको देखना है। तो दोस्तों, एक बात बता दूँ आपको मैं कि अगर आपका गियर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो ना तो आप सबसे पहले आप डीलरशिप में दिखा दें या तो फिर कोई मैकेनिक से आप कॉन्टेक्ट करके आप पूछ सकते हैं या फिर कहीं पे भी मैकेनिक को दिखा सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका एडजस्टिंग है, अगर वो एडजस्टिंग से अगर ठीक हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता दोस्तों तो वो भी दिखाऊंगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो सबसे पहले मैं इस साइड आ जाता हूँ, आपको लेफ्ट साइड आना है। लेफ्ट साइड में आगे में आपको ऐसा ही दिखेगा, आपको स्क्रू डॉट से स्क्रू ड्राइवर से आपको खोल लेना है इसको। जैसे कि मैं खोल लिया तो दोस्तों देख सकते होंगे आप एडजस्टर ठीक है इसका, ये आपका लीवर का एडजस्टिंग है। तो दोस्तों, ये प्रॉपर काम कर रहा है और ये सही है। अब मैं जाके डायरेक्ट गियर बॉक्स में चेक करूँगा। तो दोस्तों, मैं आगे आ गया हूँ। सबसे पहले आपको बैटरी उतार देना, बैटरी प्लेट भी उतार देना है। बैटरी प्लेट उतार के आपको यहाँ से चेक कर लेना है, ये गियर टापा है, आप इसको चेंजर भी बोल सकते हैं। तो इससे मैं चेक करूँगा, यहाँ से न्यूट्रल पोजीशन है और मैं गियर शिफ्टर वायर भी छुड़ा दिया हूँ और यहाँ से भी लगाता हूँ गियर। ये जाम लग रहा है, अटक रहा है। ठीक है, ये न्यूट्रल पोजीशन है। तो दोस्तों, मैं यहाँ से प्रॉब्लम पता चल गया कि इसका प्रॉब्लम गियर बॉक्स में है। सबसे पहले मैं इसका एक बार और चेक कर लूँगा कि ये न्यूट्रल है या नहीं है। जैसे कि यहाँ से न्यूट्रल दिखा रहा है और मैं गाड़ी का चेक करूँगा। तो दोस्तों, अब सबसे पहले गाड़ी को ऊपर उठा लेता हूँ। तो ऊपर उठा के इसका पहिया घुमा के देखूँगा। ऐसे भी आप गाड़ी आगे पीछे करके देख सकते हैं हिला के। तो मैं गाड़ी ऊपर ले लेता हूँ और मैं यहाँ से देखूँगा, आपको एक पहिया घुमाना है और घुमा के देखना है नेट्रोल है या नहीं। ये दोनों घूम रहा है। ठीक है, ये पूरा जाम घूम रहा है, ये भारी घूम रहा है, तो समझ लीजिए गियर पर्सन है। तो सबसे पहले मैं इसका गियर बॉक्स डाउन करूँगा। दोस्तों, मैं इसका गियर बॉक्स डाउन करके ले लेता हूँ तो आपको मैं दिखाऊँगा। जैसे कि मैं अभी गियर बॉक्स डाउन कर लिया हूँ। दोस्तों, पूरा खाली जगह है तो यहाँ से मैं सस्पेंशन फ्रेम भी खोल लिया हूँ। ये खोलने से आपको गियर बॉक्स ईजी खुलेगा और ईजी लग भी जाएगा। दोस्तों, पूरा खोल लेना। अब मैं दिखाऊँगा कि गियर बॉक्स में क्या प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, यहाँ से देख लेना न्यूट्रल पोर्शन है और यहाँ से आपको इनपुट शाफ्ट घुमा के देख लेना है कि ये फ्री घूम रहा है या नहीं घूम रहा। जैसे कि ये फ्री नहीं घूम रहा तो दोस्तों इसका गियर बॉक्स पूरा खोलना होगा, अंदर पूरा खोलना होगा। तो जैसे कि मैं खोल लेता हूँ, जैसे मैं खोल लिया हूँ तो ये रहा आपका गियर पिनियन, ये हो गया फ्रॉक वगैरह। ठीक है, आपका ये हो गया हाउसिंग। तब मैं आप खोलूँगा पूरा, इसमें पूरा बुरदा वगैरह था, लोहा का जितना भी कचरा वगैरह होता है ना सारा इसके अंदर बहुत सारा गिरा हुआ। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसको पूरा फ्रेश कर लूँगा। इसको मैं सेकंड गियर लगाऊँगा। जैसे कि मैं सेकंड गियर लगाया, ईजी लग गया, तो इसको मैं साइड रख दूँगा, ये सही है। तो ये इनपुट शाफ्ट है, तो इसमें जैसे कि मैं देख रहा हूँ ये 3 नंबर गियर काम कर रहा है, 3 नंबर पिनियन, इसमें बहुत जाम काम कर रहा है, लग नहीं रहा।
पूरा हार्ड है दोस्तों, प्रॉब्लम इसमें ही है ठीक है, इनपुट साफ में ही प्रॉब्लम है ठीक है, बहुत जाम लग रहा है। तो दोस्तों होता क्या है, इसके अंदर का जो वायल सेल कट जाता है ना, सिकरू नाजर के बगल साइड में जो रहता है ना, अंदर में रहता है वो वाइट वाइट कलर का जो वाशर रहता है प्लास्टिक का, वही गर्म होकर कट जाता है या फिर गियर लगाने में प्रॉब्लम करता है, हाफ गियर में जैसे गियर लगा हाफ क्लच में गियर लगाते हो, या फिर और भी बहुत वजह से ये मतलब होता है, ऑयल कम होने के कारण से भी होता है बहुत ऐसा गर्म हो जाने पर। तो दोस्तों ये आपका गियर है, जैसे इसमें दो गियर था इसमें चार गियर है ठीक है, तो मैं इसमें प्रॉब्लम इसमें ही है। तो दोस्तों मैं जब सामान लगाऊंगा आपको वीडियो डाल दूंगा मैं। तो दोस्तों ये देख सकते होंगे इसके अंदर पूरा कचरा है, लोहे का बुरादी वगैरह बहुत सारा है, ये देख सकते होंगे लोहे का बुरादी है, ये टुकड़ा है लोहा का, और इसमें प्लास्टिक टाइप का बहुत कचरा सब मतलब इसके अंदर बहुत सारा गिरा हुआ ठीक है। तो दोस्तों मैं इसका फिटिंग टाइम का वीडियो डाल दूंगा, तो आपको उस वीडियो को भी देखना है तो समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।